हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी एक नई योजना आई है अग्निपथ, जिसे आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी छात्र मिलकर के बवाल कर रहे हैं इसके बारे में। तो क्या है ये पूरा सिस्टम, आइए समझते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे न्यूज़ की हेडलाइन में, बिहार में प्रदर्शन उग्र हो चुका है, बहुत सारी ट्रेनों को जला दिया गया है और काफ़ी नुकसान पहुँचाया है छात्रों ने, और ये समझ लीजिए किसान आंदोलन से बड़ा ये माहौल बन चुका है। आखिर क्या है ये अग्निपथ योजना और छात्र क्यों बवाल कर रहे हैं, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अगले 5 मिनट तक वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, हम आपको स्क्रीन पर ले चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या कहानी है, कैसे। आइए इस इंड स्क्रीन में लास्ट में ये मैंने रखा है, ये देखिए। सबसे पहले मोटा मोटा जान लीजिए कि जो अग्निपथ योजना है, इसका मतलब ये है कि इसमें अब सेना में जो भी भर्ती होंगी उसमें संविदा पर भर्ती होंगी, मतलब 4 साल बाद, यानी परमानेंट नहीं रहेगा, छात्रों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, निकालने का मतलब बेइज्जती करके नहीं, यानी मान सम्मान के साथ एक योजना, एक सिस्टम बनाया गया है, उस तरह से छात्रों को 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, है ना। और इसमें क्या है, छात्रों का अब तक जो रहता था वो परमानेंट जॉब रहती थी, अभी ये परमानेंट नहीं रहेगी, एक प्रकार से प्राइवेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अग्निपथ योजना क्या है, पहले तो यहाँ देख सकते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होगी, यानी सभी जो सेनाएँ थी, आर्मी यानी आप समझ सकते हैं थल सेना, नेवी जल सेवा और एयरफोर्स वायुसेना, यानी तीनों सेनाओं में जो भर्तियाँ होंगी वो सभी संविदा पर होंगी 4 साल के लिए। आर्मी में और जो सैनिक होंगे, नेवी में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती हैं, वो भर्तियां अब इस योजना के तहत होंगी। जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, अग्निवीर नाम दिया जाएगा। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा, शेष 25% अग्निवीरों को अस्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी, जिनमें अग्निवीर अस्थायी होने के लिए आवेदन देंगे, मतलब इसमें फिर से वो आवेदन करेंगे कि जिससे वो अस्थाई हो सकें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। अग्निपथ योजना से कितनी भर्तियां होंगी, किनके लिए है ये योजना। अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए है, ये योजना अफसरों पर लागू नहीं होगी। सेवा अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए ये योजना होगी, समझ रहे हो, जो अधिकारी होंगे बड़े बड़े पोस्ट के, उनके लिए नहीं होगा। मतलब एक प्रकार जो कांस्टेबल वगैरह रैंक के होते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, इसमें समझ में आ रहा है, उन्हीं के लिए होगा। नीचे देखो लिखा डिटेल में, नई योजना मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों की खुली भर्तियाँ होती हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वर्तमान में जवानों की जो प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी, यानी अग्निवीरों का जो चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया से ही होगा। सेनाओं में अभी 60 सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति होती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जाता है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें क्या होगी योग्यता, अग्निवीरों को 17.5 से लेकर 21 साल तक के जो भी युवा होंगे उनको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिक स्तर तक की भर्ती के लिए मौका मिलेगा। देखिए आगे क्या है, इसका डिटेल में अगले में देखिए तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, एयरफोर्स में सैनिक भर्ती के नियम पुराने वाले ही रहेंगे, जैसे जनरल ड्यूटी, जीडी, सैनिक की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं पास ही रहेगी। अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। कब और कहाँ, कैसे निकलेगी भर्तियाँ और कैसे कर सकेंगे आवेदन। अगले 90 दिनों में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 भर्तियाँ निकाली जाएंगी। आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3,500 और नेवी में 2,500 भर्तियाँ होंगी। देशव्यापी भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्यता के आधार पर अग्निवीरों की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को नई भर्तियों के निकलने की जानकारी इन वेबसाइट पर joinindianarmy.nic.in और joinindiannavy.gov.in पर और careerindianairforce.cdac.in। इसलिए सेनाओं में जाना चाह रहे अभ्यर्थी इन वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें। काफ़ी ऐसी भी खबर आ रही कि बहुत सारे छात्रों ने सुसाइड कर लिया इन सभी नियम और सिस्टम सुन करके, जो लोग बहुत दिन से परेशान थे और तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, मुख्य प्रॉब्लम ये है जो छात्राओं की, कि वो इतने दिन से सब कुछ मान करके इसमें जी जान से लटे जुड़े हुए थे और इतना मेहनत करने के बाद अगर वो
10 साल, 8 साल, 6 साल किसी तरह से भर्ती होते हैं तो उनकी शादी ब्याह नहीं होगा। लड़की वाले कहेंगे पता नहीं अस्थाई होगा कि नहीं होगा, निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इस नौकरी का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। मेन प्रॉब्लम हमें जो समझ में आ रही ये है। और सैलरी भी कोई बहुत नहीं है, 30,000 रुपये सैलरी होगी पहले महीने की, दूसरे सॉरी पहले साल की नहीं, पहले महीने की महीने सैलरी होगी। फिर से देख लो, पहले साल यानी पूरा साल, पहला साल 30,000 मिलेगा, अगले साल 33,000 हो जाएगा, फिर अगले साल फाले 36,000, और चौथे साल 40,000 रुपये मिलकर रिटायर हो जाएंगे। समझ रहे हो? इसमें सेवा निधि पैकेज के लिए हर बार 30-30% कटेगा भी, जो मिलेगा 30% जान रहे हो। 1,000 रुपये में कितना रुपया, 100 रुपये में 30 रुपया, तो 1,000 रुपये में 300 रुपये, यानी 1,000 रुपये में 300 रुपये कटेंगे। आप 30,000 रुपये मिलना है, आप निकाल लो कम से कम 9,000 रुपये। भाई साहब 30,000 की जगह 9,000 कट जाएंगे, 21,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है ना, लेकिन इसमें से 21,000 रुपये ही उसे दिए जाएंगे, बाकी 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर काफर्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी राशि यानी 9,000 सरकार भी डालेगी। महिलाओं के लिए मौके इसमें नहीं है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। समझ गए ना आप पूरी बात की नहीं? 4 साल ड्यूटी के बाद क्या होगा अग्निवीरों का, देखिए यहाँ पे लिखा गया। क्या पेंशन मिलेगी? पेंशन नहीं मिलेगी चाचा लोग, ना ना ना। यही तो मुख्य परेशानी है। जो विधायक सांसद हो जाते हैं, बवाल करते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं, उनको पेंशन मिलती है, लेकिन जो सेना में अपना सब कुछ दे करके आएगा 4 साल, उसको कुछ नहीं मिलेगा। सेवानिधि पैकेज मिलेगा, मतलब एक बार। इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा भी जाएगा, यानी तुमको लास्ट में वही मिलेगा जो तुमसे काटा जाएगा। हाँ ये है कि सरकार भी इसमें कुछ परसेंट जमा कर रही है, उतनी ही राशि, तो वो भी मिलेगा। बस 4 साल बाद सेना से ड्यूटी मुक्त होने के बाद 75% ऐसे अग्निवीरों को 11.71 मतलब 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इस पर कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा? उन्हें कौशल प्रमाण पत्र और बैंक लोन के जरिए दूसरी नौकरी शुरू करने की मदद मिलेगी। दूसरी नौकरी कौन सी? वही जो अब तक पटक रहे थे इतना दिन पाने के लिए, फिर दूसरी नौकरी शुरू करेंगे। यही मुख्य परेशानी है छात्रों की कि एक नौकरी तो बड़े मुश्किल से मिली, आधी जिंदगी तो साली बीत गई एक नौकरी के लिए, अब दूसरी नौकरी के लिए क्या करेंगे? यही मेन प्रॉब्लम है। हाँ आगे इसमें आता है कि जो युवा 4 साल बाद बाहर कर दिए जाएंगे उन्हें क्या होगा? 4 साल सेवा से बाहर मतलब 4 साल बाद कर दिए गए युवाओं को सीएपीएफ और असम राइफल में भर्ती के दौरान प्राथमिकता मिलेगी उन्हें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुधवार को यह ऐलान किया है। इसके अलावा यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और एमपी सरकार ने अपनी अपनी पुलिस भर्तियों में इन युवाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। ये घोषणा की है, कहीं कोई सुना है, भगवान जाने क्या हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो इन 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देगी और 25% को अस्थायी नौकरी मिलेगी। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर किसी को वीरगति, कोई शहीद हो गया तो क्या होगा? ऐसे अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कोई पहले साल ही शहीद हो जाता है तो उसे उसके घर वालों को 4 साल तक सैलरी मिलेगी, जो उनकी सैलरी मिलनी चाहिए थी जो शहीद हुए हैं। बाकी जो 48 लाख रुपए नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस और मृत्यु के दौरान 40 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुग्रह राशि, ये मिलेगा। अगला सवाल है कि अगर कोई दिव्यांग हो गया तो क्या होगा इसमें? ये क्या हो रहा भाई, एक मिनट देखो कहाँ गया वो, ये तो वीडियो आ गया। हाँ दिव्यांग हुआ तो जितने प्रतिशत अक्षमता होगी उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए यानी वही मृत्यु के बराबर, 75% अक्षमता होने पर 25 लाख, और 50% अक्षमता का मतलब दिव्यांग, जैसे मान लीजिए 50% शरीर का हिस्सा गड़बड़ हो गया तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये सिस्टम है। यही मुख्य परेशानी है छात्रों की जो बवाल कर रहे हैं। पहले अस्थाई होता था कि नौकरी मिल गई, 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, लेकिन जिंदगी भर के लिए मिलता था, जब तक शहीद ना हो जाए या जब तक रिटायर ना हो जाए। मतलब जिंदगी भर का मतलब 80 साल तक नहीं, जब तक नौकरी करने लायक सेना में रहते थे तब तक, जो रूल था उसके अकॉर्डिंग, है ना।
तो यही मेन प्रॉब्लम है। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहते हैं। फिलहाल हमारी कोशिश थी कि आपको समझाया जा सके। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सवाल आ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।